सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं पारस केंद्र विद्यालय चिकोड़ी में 10वीं ब कक्षा में पढ़ता हूँ। आज हिंदी पखवाड़ा के तहत मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन के आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हूँ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झांकोगे, तब तप कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। धन्यवाद।